Sangeeta Verma and welcome to our channel, Your PDI Job Updates and Preparation. Recently, बहुत सारी vacancies out हुई हैं for the post of assistant professor, professor, librarians, directors, जिसके regarding हमने notify किया है हमारे channel पर and yes, Telegram and WhatsApp groups पर भी candidates को. तो yes, जो भी candidates interested हैं, पहले तो subscribe कीजिएगा इस channel को, जहाँ पर updated आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी रिलेटेड टू जॉब्स. एंड ज़रूर फॉलो कीजिएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी, जहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज के बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं कैंडिडेट्स को. आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर की जहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं. देखिए, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में ही वैकेंसीज आउट की गई हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग में ही वैकेंसीज हैं एंड रीजनल कैंपसेज में ही वैकेंसीज आउट की गई हैं ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई. तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसीज को आउट किया गया है. एप्लीकेशंस ऑनलाइन हो चुकी हैं, ये टाइम है अप्लाई करने का कम्प्लीटली, एंड 13 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज वैकेंसीज. हार्ड कॉपी डेफिनेटली आपको सबमिट करवानी होगी. आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है अन्ना यूनिवर्सिटी में, एंड हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर यहाँ पर रहेंगी. तो यहाँ पर 16 कॉलेजेस हैं, रीजनल कैंपसेज हैं टोटल, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कम्प्लीटली. तो अन्ना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड रीजनल कैंपसेज. फुल नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है. वैकेंसीज की बात करें तो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज को आउट किया गया है. मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन की है एक पर्टिकुलर डोमेन में, यूजीसी नेट क्लियर किया है, अगर आप साइंस या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोस्ट के लिए. तो यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी को आउट किया गया है. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में 30 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में 35 वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 25 वैकेंसीज को आउट किया गया है यहाँ पर. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 51 वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर की. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 29 वैकेंसीज को यहाँ पर आउट किया गया है. मैथमेटिक्स में 17 वैकेंसीज हैं. मैनेजमेंट साइंसेज में 11 वैकेंसीज हैं. इंग्लिश में यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं. रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, अगर यहाँ पर इंग्लिश में करना चाहते हैं अप्लाई तो यूजीसी नेट रिक्वायर्ड रहेगा. लाइब्रेरी की में यहाँ पर वैकेंसी आउट है, 14 वैकेंसीज आउट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, 13 वैकेंसीज आउट है असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन में. तो ये वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में. जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं अप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन टोटली ऑन गोइंग है. एप्लीकेशन लिंक वी विल प्रोवाइड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ताकि आप अप्लाई कर सकें टाइमली. एंड येस, यहाँ पर पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर ऑफलाइन भी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी होगी. तो कुछ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हैं जो कि बताई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डोमेन से हैं तो आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए. एंड येस, अगर कैटेगरीज में लाइन नहीं करते हैं तो 70% यहाँ पर मार्क्स कंसीडर होंगे यहाँ पर. तो कम्प्लीटली साइंस, अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो यूजीसी नेट रिक्वायर्ड होगा. सेट एग्जाम दिया है या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है तो वो यहाँ पर क्लियर कंसीडर किया जाएगा. 55% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. आपके पास यहाँ पर कम्प्लीटली आपकी ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोजिशंस के लिए. तो यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात की जाए तो बैचलर्स एंड मास्टर्स रिक्वायर्ड है पर्टिकुलरली. फर्स्ट क्लास में पास की हो एंड 2 ईयर्स का अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है दैट विल बी ऑल्सो कंसीडर्ड. तो अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोजीशन के लिए. यहाँ पर एक नोट भी है, कुछ अगर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बैचलर्स के बाद एंड गेट एग्जाम भी दिया है लेकिन सीधा यहाँ पर PhD की है, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर दीज वैकेंसीज जो कि आउट की गई हैं. मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसमें मास्टर्स रिक्वायर्ड है, मास्टर्स रिक्वायर्ड है एंड नेशनल लेवल जो टेस्ट है वो अगर आपने किया है क्लियर तो वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर कुछ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी, आपका क्या रिकॉर्ड रहा है, नेशनल लेवल टेस्ट आपने क्लियर किया है, वो सब यहाँ पर डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगा. आपका जो रिकॉर्ड है, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशंस हैं डिफरेंट डोमेन्स में, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा फॉर दिस वैकेंसी. तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं. अप्लाई कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं टिल 13 दिसंबर ऑनलाइन, एंड 18 दिसंबर तक आपको ऑफलाइन सबमिट करवाना होगा.
तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपकी मास्टर्स या ग्रेजुएशन है तो वो इन डोमेन्स में, इन डिसिप्लिन्स में पर्टिकुलरली होनी चाहिए। जैसे अगर आपने इंग्लिश से है तो अगर आपके पास पीएचडी है रेलिवेंट एरिया में, मास्टर्स है, बीए है, वो यहाँ पर डेफिनेटली रिक्वायर्ड कंसीडर होगी। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बिहाफ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में, अप्लाई कर दीजिए। 29 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, 13 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी कम्प्लीटली, एंड येस यहाँ पर आपको ऑफलाइन सबमिट करवाना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पोस्ट करना होगा और क्लियरली मेंशन करना होगा अपने एनवेलप पे कि एप्लीकेशन जो है वो किस पोस्ट से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ज़रूर अटैच कीजिएगा जब आप ऑफलाइन यहाँ पर सबमिट करवाएं अपना एप्लीकेशन, तो पोस्ट करना होगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आउट की गई है। मेन बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए अप्लाई कर देंगे उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पर रिटन एग्जाम हो सकता है, प्रेजेंटेशन कंडक्ट हो सकती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 60 रहेंगे, एंड यस प्रेजेंटेशन के लिए 20, इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए 20 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। तो ये फुल नोटिफिकेशन है आपके सामने जो कि गो थ्रू हुई है, एंड यस इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड ऑफलाइन यहाँ पर सबमिट करवाएंगे अपना एप्लीकेशन। कुछ फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे दिए, जैसे कि टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, एंड तमिल मीडियम से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है इन तमिल मीडियम उसका ये फॉर्मेट है वो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखिए 29 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, 13 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं इन पोजिशन के लिए। 18 दिसंबर तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवानी होगी, उसके बाद होगा रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं योरपीडिया एजुकेशन को। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।